अच्छा, ये सलीम इलाही साहब हैं जिन्होंने बहुत भाइयों के साथ फ्रॉड किया हुआ था और तकरीबन हर ग्रुप में इनका ऐड लगा हुआ था, और पाकिस्तान बर्ड एडमिन क्लब एसोसिएशन के खालिद भाई, आमिर रज़ा भाई, अली जान और परवेज़ भाई, उन सब की एफर्ट से इस भाई तक हम पहुँचे हैं। और ये इन बुज़ुर्ग के बेटे का आईडी कार्ड यूज़ हुआ था, इस भाई ने किया था। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद सुहेल है और मेरा क्वाड से ताल्लुक़ है। तो जिब्रान भाई की हमने वीडियो देखी है तो बड़ी खुशी हुई है कि कोई ऐसा बंदा है जिसने इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई है। तो इंशाल्लाह मेरे साथ भी एक धोखा हुआ था जो मैं आपको के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने पैरेट के लिए पेमेंट लगाई थी, ठीक है, तो पिंडी का बंदा था, इसका सलीम इलाही नाम था, ठीक है, इसी का अकाउंट था। और आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि इसका जो मैंने इजी पैसा कराया वो पेमेंट भी आप देख रहे हैं, इसके साथ जो मैंने व्हाट्सएप में चैट की है वो भी आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इसकी हमें वीडियो मिली है जो ये पहले से फ्रॉड ये था, तो वो वीडियो भी आप, मैं जिब्रान भाई को कहूँगा कि ये 30-20 सेकेंड की वीडियो है, वो भी अपने चैनल पे ये चला दे तो बहुत अच्छी बात होगी, ताकि दो लोगों को पता रखे इस तरह के फ्रॉड से दूर रहें। तो मेरा मशवरा ये है कि आप जब भी किसी से कार्गो करवाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले उससे शनाख्ती कार्ड की कॉपी सेंड करें, ठीक है, व्हाट्सएप में, और दूसरा व्हाट्सएप पे उसके साथ वीडियो कॉल करें, ठीक है, कि आया जो शनाख्ती कार्ड में पिक्चर है यही बंदा है कि दूसरा है, क्योंकि शनाख्ती कार्ड भी दो नंबर बहुत बनते हैं। ऐसे नहीं कि आप शनाख्ती कार्ड पे भूल जाएं कि यार चलो शनाख्ती कार्ड मिल गया और मैं आपको पेमेंट लगा दूँ, ऐसा भी नहीं करना आपने। मेरा मशवरा तो यही कि आप इस तरीके से करें ताकि हमारे जो बर्ड लवर हैं वो भी इस धोखेबाज और इस तरह के फ्रॉडी बंदे से दूर रह सकें। और इंशाल्लाह ये कुछ दिनों में पकड़ा जाएगा, क्योंकि हमारा जो जिस ग्रुप में मैं ऐड था तो उधर के बंदे बहुत लोगों ने मेरे साथ मेरी हेल्प की है, काफ़ी जिनको मैं जानता तक भी नहीं था उन्होंने मेरी हेल्प की है। और इंशाल्लाह वो कह रहे हैं कि इसको हमने पहले भी पकड़ा था और इंशाल्लाह दोबारा हम पकड़ेंगे और आपकी पेमेंट इंशाल्लाह हम इससे रिकवर कराएंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखेंगे, ओके, अल्लाह हाफिज़। तो आपने क्या करना है, अगर खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है तो आप जो है पूरे प्रूफ के साथ अपनी एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनाएंगे, मेरे लिए एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाएंगे और साथ मुझे जो है व्हाट्सएप पे, नीचे जो मेरा नंबर आ रहा है ये आप देख रहे हैं, इस पे जो है आप व्हाट्सएप करेंगे अपना एक छोटा सा वीडियो क्लिप और साथ जो है आपके पास जो भी प्रूफ है वो आप मुझे सेंड करेंगे और वो मैं आप जो है वो इस ये जो हमने सेगमेंट शुरू किया है बेनकाब का अपने चैनल पे, ये मैं जो है सब दोस्तों को दिखाऊंगा ताकि खुदा ना खास्ता अगर एक बंदे ने एक को धोखा दे दिया तो वो किसी और को धोखा ना दे सके। उस बंदे का चेहरा जो है आप लोगों की आंखों में होना चाहिए ताकि वो बार बार किसी को धोखा ना दे सके। होता यही है कि एक बंदे ने जो है वो किसी का फ्रॉड किया, फिर वो जो है वो 2-3 महीने चुप करके बैठ गया या हफ्ता 2 हफ्ते चुप करके बैठ गया और एक नया ऐड जो है उसने लगा दिया और इसी तरह वो किसी और को धोखा दे देगा। तो मेरी कोशिश यही है कि हम सब मिलके काम करें और ऐसे लोग जो धोखा देते हैं इनको इनके अंजाम तक पहुंचाएं। मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे साथ मिलके ये काम करें।